प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 दिसंबर 11 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति हो। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। श्रेष्ठ तरीके से प्रभु ने हमें चलाया, आश्चर्य तौर से हमें चलाया, हमारी ज़रूरतों को पूरा करके दिया। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे संग रही, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु पिछले दिन भर आपने हमें संभाला, रात को हमें संभाला, आपकी कृपा को हमने अनुभव किया। आमेन। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। समाधान के साथ सुलाने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमेन। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। आमेन। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें आज आपने जगाया है। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आपने हमें जगाया है, हम अपने आप से नहीं प्रभु, लेकिन आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हाथ उठाकर, हाथ लेख हमारा पकड़ कर थामे हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। बुद्धि देकर आपके नियंत्रण में हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हमारे संग रहकर आप हमारी सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें बलवंत करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 67 में कहते हैं, उसके हालेलुया पहले के वचनों में लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। आज यीशु मसीह में हम पर प्रभु ने अनुग्रह किया है। आमेन। और आशीषित करके रखा है, उसके लिए धन्यवाद कहे। और उन्होंने हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाया है। आमेन। उसके लिए भी धन्यवाद कहे। प्रभु वचन आगे लिखता है कि जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। सातवां वचन कहता है, परमेश्वर हमको आशीष देगा, पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ, जय के साथ हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जय के उत्सव में आज हमें आप लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, हर एक जन को आपके लहू से ढांपते हैं। इनके सबकी ज़रूरतों पर आपकी कृपा बनी रहे, व्यक्तिगत तौर से पवित्र आत्मा उनको आप संदेश करें। हालेलुया, जो रोग से पीड़ित है अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करें। आंखों में जो परेशानी है वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, वैसे ही जिनको भी उनके पैरों में जो परेशानी है, पैर के निज भाग में यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, एड़ियों में, एड़ियों के ऊपर जो दर्द है वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, कमर में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, जो वो चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, ये सब अवस्था से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया, वो अब आराम से नौकरी में भी जा पाए। हालेलुया, उनकी कमर में ऊपर से लेकर नीचे तक पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं, अद्भुत चंगाइयाँ घोषित करते हैं। जो भी मधुमेह से पीड़ित होकर उनका हाथ पैर में जो घाव आ गया है, वो सब यीशु मसीह के नाम से उसमें चंगाई मिले, पूर्ण आरोग्य उनके शरीर में घोषित करते हैं। आर्थिक विषय में जो भार से हैं प्रभु, आप उनको छुटकारा दीजिए,
जिनको नौकरी नहीं है, प्रभु आप उनके रास्ता खोले। आज के दिन आप रास्ता खोलते हैं उसके लिए धन्यवाद, आप रास्ते खोलते हैं उसके लिए धन्यवाद, आपने अद्भुत कार्य किया है उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में छुटकारा दे करके हम प्रार्थना करते हैं, परिवारों में समाधान हो, बच्चों को आशीषित करते हैं, उनको पढ़ने के लिए बुद्धि और ज्ञान, और आपके वचनों में आप उनको छलाए, उनका समाधान बढ़ा रहे आपके वचन के अनुसार। हालेलुया। जो समाचार सुसमाचार सुनाने वाले जो सेवकाई में है, प्रभु आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। प्रत्येक रूप से आज की मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो सबसे आशीषित रहे आपकी उपस्थिति में। प्रभु हर एक जन को आप भर दे, प्रभु आप उन हर एक जन को आशीषित करें, ताकि ये बहुत लोगों के लिए आशीष और छुटकारा का कारण बन सके। हम प्रार्थना करते हैं और सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं। सब कुछ हमारे जीवन देने वाले यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपकी जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखिए, शाम को इंडियन समय 9:30 मीटिंग रहेगा, तो प्रार्थना के साथ उसके भाग्य बने। और आपकी कोई गवाही है तो आप वो भेजें, और कोई प्रार्थना का विषय है तो भी आप हमें भेजें। हालेलुया। और ये साल के अंतिम दिनों में हमारा प्रार्थना और उपवास का समय रहेगा, साथ ही साथ न्यू ईयर मीटिंग के लिए भी आप प्रार्थना के साथ रहे, उसके लिए आप प्रार्थना करें आशीष के लिए। आइए वचन के और ध्यान देंगे। ये हमने कल जो ध्यान दिया, पासवान ने जिस तरीके से हमें सिखाया, उसका दूसरा भाग में हम देखेंगे। तो उसमें लिखा गया है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। योएल की किताब 2:28 में लिखा है, आगे लिखा है, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरन ये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तो पवित्र आत्मा जब उंडेला जाता है तो ये सब जो है बहुत ही साधारण कार्य हो जाता है। मतलब ये सब के लिए है। हालेलुया। कि वो भविष्यवाणी करने लगेंगे, सपने देखने लगेंगे, दर्शन देखने लगेंगे। पहली जो सभा थी उनके जीवन में ये आशीष थी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया तो वो सपना देखने लगे, वो दर्शन देखने लगे, वो भविष्यवाणी करने लगे। कल कितने लोग हैं जिन्होंने सपने देखे। हालेलुया। सिर्फ वचन सुनने से कार्य नहीं, लेकिन प्रार्थना करें। हालेलुया। कि परमेश्वर मुझे आप सपने के द्वारा आप हमसे बात करें, प्रभु स्वर्गीय सपनों से हमारे जीवन में भर दे, और वो हमारे जीवन में रोजमर्रे के जीवन का भाग्य बन जाए। इसलिए हम देख सकते हैं नए नियम में जो है वो हमेशा स्थिर रहा सपना। हालेलुया। कि वो हमेशा देखते रहते थे, और हम जानते हैं सपना ज़्यादातर नींद में होता है, लेकिन दर्शन काफ़ी बार नींद में होना ज़रूरी नहीं। हम देखते हैं नए नियम के सभा जो है वो जब प्रार्थना करते थे तब वो दर्शन देखते थे। इसलिए हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आप दर्शन दिखाए, प्रभु आप मुझे दर्शन के द्वारा मुझसे बात करें। नए नियम में कि जो सभा है उनको बलवंत करता था दर्शन। हालेलुया। उनको धीरज मिलता था एक एक दर्शन देखने के कारण, उनके लिए नए रास्ते खुलते थे दर्शन के द्वारा। हालेलुया। हम देखते हैं वचन में कुर्नेलियुस भी एक दर्शन देखते हैं कि किस तरीके से पत्रस को भेजा जाता है, और वचन में लिखा गया है कि वो सुबह एक कम से कम 9:00 के समय वो दे दर्शन में देखते हैं कि स्वर्ग दूत अपने प्रेरित को लेकर आते हैं, प्रेरित पत्रस को लेकर आते हैं। हालेलुया। ये सब स्वर्गदूत लेकर आ रहे हैं करके, स्वर्गदूत उनसे बात करे करके कुर्नेलियुस स्पष्ट रूप से दर्शन में देख रहे हैं, और वैसा का वैसा हुआ। हालेलुया। और वही चीज पत्रस भी देखता है कि बड़ा एक आकाश खुला है और एक चादर नीचे उतर रही है। हालेलुया। ये दोनों दर्शन जो है वो जातियों के बीच में सुसमाचार फैलाना का कारण। हालेलुया। इसलिए क्योंकि पत्रस जो पहले जाति लोगों के बीच में जाने के लिए तैयार नहीं थे, यहूदियों के बीच में ही रहना चाहते थे, लेकिन ये दर्शन के कारण, हालेलुया, वो दिव्य दर्शन के कारण उनको अगुवाई मिली और वो कुर्नेलियुस के घर तक वो पहुंच गए। हालेलुया।
जाति जातियों तक सुसमाचार पहुंचाने का कारण दर्शन रहा। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में अनेक लोग जो है यीशु मसीह को दर्शन के द्वारा देख सके। कुरनेलियुस का जीवन जिस तरीके से बदल गया, उनका अनुभव बदल गया, वैसे ही हम प्रार्थना करें अनेक लोगों का जो जीवन का जो शैली है वो बदल जाए, दर्शन देखने वाले हो, हम भी दर्शन देखने वाले बने। हालेलुया। और भी अगर हम वचन में अगर देखेंगे तो हम देख सकते हैं, हालेलुया, अनेक लोगों को दर्शन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने जीवन में भी ये दर्शन मिलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। पौलुस के बारे में अगर हम वचन में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि 18वें अध्याय में अंधकार में जो है वो वहाँ पर परमेश्वर उनसे कहते हैं दर्शन के द्वारा कि भयभीत ना हो लेकिन और चुप ना रहो, तुम वहाँ पे अब धैर्य के साथ बात करो। 9वें वचन में लिखा है प्रेरितों की किताब 18:9 में कि और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। हालेलुया। ऐसे ही प्रार्थना में हम दर्शन देखे, प्रार्थना के द्वारा, दर्शन के द्वारा, हालेलुया, हमें अगुवाई मिले। इसलिए प्रार्थना करें सपना देखने के साथ ही साथ दर्शन हम देखे, रास्ते खुलने वाले दर्शन देखे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा से पूछे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आज जो संदेश हमें मिला है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहे। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ये संदेश सुनने वाले हर एक जन जो है सपना और दर्शन जो है वो हर दिन अपने रोजमर्रा के जीवन में देख सके और आपकी अगुवाई में चलने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जहाँ पे ज़्यादा प्यास होती है, जिनको ज़्यादा प्यास है ये सब अनुभव करने का, उन्हीं को सपना और दर्शन मिलता है। हालेलुया।